हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो लिब्रा कैल की है और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है छड़ 4000, गिट्टी 92, मोरंग बालू लिखा हुआ है 80, बजरी लिखा हुआ है 70 और इसका टोटल किया गया है। तो ये है क्या, इसके बारे में बताता हूँ अभी। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि यहाँ पर हम कैलकुलेट करने वाले हैं सिनेरियो मैनेजर के थ्रू, यानी कि ये कुछ ऐसी चीजों के दाम लिखे हुए हैं जिनका रेट हर महीने इधर उधर होता है और उसके बेस पर अगर आप बिजनेसमैन है, इसका बिजनेस करते हैं तो उसके बेस पर ये तय होता है। तो यही एग्जांपल देकर के वो चला गया है और कहा है कि इसी पर आप वीडियो बनाइए और लिब्रा कैल्क में बनाइए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, टूल्स पे चलते हैं और यहाँ आपको मिल जाता है सिनेरियोज। तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए और ये जो रेट है, सपोज कीजिए कि ये जनवरी का रेट है। किसका रेट है? जनवरी का। तो यहाँ लिख देता हूँ JAN जनवरी, ठीक है, कुछ इस तरीके से लिख दिया JAN, ओके। तो ये जनवरी का रेट है और यहाँ पर ओके कर दिया मैंने। तो ये जनवरी का हिसाब किताब यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे ऊपर जनवरी लिखा हुआ आ रहा है। अब आप एक्सेल में कैसे करते थे उसका तरीका थोड़ा अलग है। अब फिर यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको सिलेक्शन में लिए लिए हमें फिर वापस कहाँ चलना है, टूल्स पर, और फिर जाना है सिनेरियोज पर और फिर यहाँ पे लिख देता हूँ फरवरी, ठीक है। तो यहाँ पे करता हूं मैं FEB कुछ इस तरीके से और यहां से ओके प्रेस कर देता हूं। अब यहां से हमें चेंज करना है, छड़ की कीमत थोड़ी घट जाएगी, 3500 रुपए क्विंटल होगी। तो यहां से ओके प्रेस करके और यहां पे 3500 रुपए डाल देता हूं, ये 3500 रुपए क्विंटल है, ठीक है। फिर यहां पे आते हैं, गिट्टी की कीमत वही रहेगी, मोरंग बालू की कीमत घट जाएगी, 70 रुपए फुट आ जाएगी। तो यहां पे 70 रुपए फुट कर देता हूं मैं और बाकी की चीजें ऐसी ही रहेंगी। यहां पर ये हो गई फरवरी की डिटेल, ठीक है। अब फिर इसको सिलेक्शन में लिए लिए वापस कहां चलना है, टूल्स पर, और फिर आप कर दीजिए मार्च की डिटेल। तो यहां पर आकर के सिनेरियोज पर आइए। अब देखिए ये सिनेरियोज जो है इसको पूरा ऐसे सिलेक्शन में लेंगे तब ये हाईलाइट होगा। तो यहां पर आपको टूल्स में आना है और आप सिनेरियोज देखिए हाईलाइट हो गया, क्लिक कीजिए। अब ये डिटेल हम बनाने जा रहे हैं मार्च की, तो MARCH मार्च कर दिया मैंने और एंटर कर दिया। अब आपको यहाँ मार्च की डिटेल लिखनी है, तो मार्च में क्या होगा वो चीज यहाँ पर आप डाल दीजिए। तो यहाँ पर कुछ कीमत बढ़ जाएगी छड़ की और यहाँ पर हो जाएगा 4200 रुपए का ये छड़ हो जाएगा और ये गिट्टी हो जाएगी आपकी 95 रुपए। तो यहाँ पे 95 कर देता हूँ और फिर यहाँ पर बजड़ी हो जाएगी 75 रुपए, तो यहाँ पर 75 कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मार्च की डिटेल है, ये पूरी डिटेल आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहां पर क्लिक करते हैं, ये देखिए नीचे आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको तीनों महीनों की डिटेल दिखाई पड़ेगी। अगर आपको जनवरी देखना है तो यहां जनवरी की डिटेल, और यहां पर फरवरी देखना है तो यहां से आप फरवरी या मार्च की डिटेल भी इजिली देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपको लगता है कि अप्रैल में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है तो आप अप्रैल पर, मैं अप्रैल कर देता हूं APRIL, तो ये लिख दिया मैंने APRIL, ठीक है। तो ये अप्रैल की डिटेल हो जाएगी और यहां पर कुछ चेंज वेंज करना चाहे तो यहां पे कर सकते हैं। जैसे यहां पर मैं कुछ चेंज कर देता हूं, यहां पे कर देता हूं 82 रुपए, यानी दाम बढ़ जाएगा, ठीक है, और बाकी की चीजें वैसे ही रखता हूं। तो इस तरीके से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। यहां पर आपको पूरी डिटेल भी दिख जाती है जनवरी फरवरी मार्च की, कुछ इस तरीके से आप देख ही सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ रही होगी कि ये कैसे करना है आपको। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर करें। अब यहां से अगर मान लीजिए अप्रैल की डिटेल देखनी है तो अप्रैल का देखिए, जनवरी का देखना है जनवरी का देखिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपके समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।